इंडिया में एनएससी और बीएससी को तो सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा था? कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज। हालांकि कोलकाता में स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग एक नीम के पेड़ के नीचे 1830 में ही शुरू हो गई थी, लेकिन 1 दिसंबर 1863 को 16 स्टॉक ब्रोकर्स ने एक अनरिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज बनाई जिसका नाम था सीएससी। फिर 1980 में जाकर भारतीय सरकार इनको सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन के अंदर मान्यता दी और उस समय इनके पास 900 स्टॉक ब्रोकर और 3500 लिस्टेड कंपनीज थी, मतलब उस समय का बीएससी का डायरेक्ट कॉम्पिटिशन खड़ा हो गया। फिर 1997 में इस एक्सचेंज ने मैनुअल ट्रेडिंग सिस्टम को छोड़कर ऑटोमेटिक ट्रेडिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन 2001 में इनके साथ वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। फिर 2001 में केतन पारेख ने कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज को एक मेजर पेमेंट स्कैम में फंसा दिया और उसके कारण उसके 300 स्टॉक ब्रोकर्स को सस्पेंड करना पड़ा और फिर वहीं से सीएससी के शुरू हुए बुरे दिन और आ गए एनएससी और बीएससी के अच्छे दिन, किसी के तो आए। फिर 2012 में सेबी ने सभी रीजनल एक्सचेंजेस के खिलाफ एक स्ट्रिक्ट रेगुलेशन किया जिसके अंडर सीएससी भी आ गया और 2013 में उसका ट्रेडिंग सिस्टम बंद कर दिया गया। आज की तारीख में कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहा है, एक ऐसा एक्सचेंज बन चुका है जिसका एक शानदार इतिहास था लेकिन कोई भविष्य नहीं है।